हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बना है पास्ता, जो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और मैंने सोचा कि चलिए आज का जो ब्लॉग है ना, सुबह से स्टार्ट करते हैं। और आप मेरी स्किन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हो रही है इस टाइम। तो खैर, बीच में ना 2 दिन दाने निकल गए थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो उसकी वजह से ना मैंने थोड़ी सी अपनी स्किन केयर की, जिससे कि मेरी स्किन ना बहुत अच्छी होने लगी है। ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। कैसा गया तुम्हारा टेस्ट, मतलब एग्जाम? एग्जाम है ना तुम्हारे, फाइनल चल रहे हैं ना। बहुत अच्छा गया। उसकी खुशी में बनाया गया है पास्ता, ध्रुव का फेवरेट। क्यों ध्रुव? इसी खुशी में पास्ता बनाया गया ना तुम्हारे टेस्ट, क्योंकि बहुत अच्छे जा रहे हैं। बोलो गाइस, हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन का मोड दोनों का था, इस वजह से हमने ऑनलाइन चूज किया। क्योंकि अगर कंपलसरी होता तो जाना ही पड़ता, क्योंकि सब उसमें कंपलसरी है। बस मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, तो कोई भी ऑफलाइन नहीं जा रहा था, तो मैं भी ऑनलाइन। कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ो जब तक पढ़ाई हो रही है, और फिर उसके बाद न्यू सेशन जब स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन जाएंगे, मतलब ऑफलाइन जाएंगे, स्कूल जाके पढ़ेंगे। ठीक है, पापा कर रहे हैं पूजा और हम लोग जो हैं कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। पापा भी अभी आने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। गर्म गर्म चाय। सब लोग कहते हैं तुम लोग सुबह सुबह चाय क्यों पीते हो, बताओ क्यों पीते हो? ताजगी मिलती है। ताजगी मिलती है। सुबह सुबह उठ के कॉफी पीनी चाहिए, पर मुझे कॉफी पीने नहीं देते ये लोग, तो मैं चाय पी लेती हूं। अच्छा, झूठी। तुझे पीने के लिए मना क्या करते हैं वैसे हम? अच्छी पापा है ना? पापा आज तक मना कराया कभी किसी चीज के लिए? सुबह सुबह कॉफी पीते हैं ना, तो पूरे तो यश के लिए आ गया है दलिया। अरे हमारी फ्रूट बास्केट में कुछ फ्रूट डाल दो भाई, हमारी फ्रूट बास्केट खाली हो गई। मतलब मौसम एकदम से बदल गया यार, बड़ी गर्मी हो रही है। बगल वाले के पुस्तक ले जाके गिराया था। तुम निकल लो इधर से। मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग मेरी। फिर मम्मी भागी दूर। मम्मी ने सीखी थी एक बार स्कूटी चलानी। आज तक स्कूटी पे पीछे बैठती भी नहीं हूं डर के मारे। कह रहे हैं बबली डांस सीखा और नहीं सीखेंगे ये बच्चे, तो लठ मारो। हाँ, वो तो एक भी पड़ गया तो ही गए हम। वही तो लठ है, वो निकालना पड़ेगा ना गाड़ी से। पढ़ ली थी मतलब सही से, तो उसको मतलब जैसे इधर ये सर बैठा है और ये मैं बैठी हूँ, है ना, तो सर ने सर बैठा है सर बैठा है सर बता रही है ना। मेरे लिए तो यही चीज बोल रही चुप रहे और ये सर है। सुनो, 11 का बाल का आता नहीं ये सर है। चलो 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 आगे बढ़ो। अरे 2 मिनट चुप रहो। सर का नाश मार रही टूटने और वाला था जैसे ये सर बैठ मेरा भी नाश कर देते बस फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी चीज है। जैसे ये सर बैठे है ना और मैं बैठी हूँ, तो सर ने बहुत सर को जब गुस्सा आता तब लड़की पे हाथ उठा दे, सर ने मारा और वो थोड़ी देर के लिए नौटंकी मत कर कुछ नहीं हुआ तुझे, तो उठ के अच्छा ये सर बताते हैं तुम्हें। अरे एक बच्चा तो आया था कि मम्मी ने रूम में बंद कर दिया कि अब तू पढ़ते रहेगा रात तक, और उसने खेलने के लिए छलांग लगा दी बालकनी से। जैसे हमारा ये है कहते बालकनी, उससे छलांग लगा दी तो चोट लगी कुछ नहीं, टांग मतलब फ्रैक्चर टाइम हो गया, टांग का फ्रैक्चर हो गया, वो खेलने भी खेल के आ गया तब तेरा की दर्द हो रहा है, फिर भी खेलने चला गया और फिर आके कह रहा मम्मी दर्द हो रहा है। बड़े बुरे बुरे बच्चे आगे भी नहीं कह रहा, मम्मी लेके आ रही है उसे। बताओ तो ये सुबह सुबह का तुम्हारा ये भाषण खत्म हो गया है अब? हाँ। तो ऐसे ही चलता है इनके लिए ना सुबह सुबह, ये बाप बेटी और बच्चे तीनों क्या क्या करते रहते हैं। क्या कर रही हो यहाँ बैठी हुई, इधर देखो बालों में तेल डलवा के आई हो, बहुत ही बुरे हो रहे हैं। नहाने जाओ जल्दी से, ध्रुव नहा लिया। ये देखो ये दोनों के दोनों यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो उनके पास आके बैठ गई। ये गाइस ये लोग आगे से खाना खाते हैं पीछे से निकालते हैं एकदम ही। हाँ तो अरे खाएंगे पोटी करेंगे यही तो काम है ही ना, और काम क्या है इनसे, क्या झाड़ू पोछा बर्तन करवाएगी या नहीं स्कूल पढ़ने भेजेगी क्यों?
और नेल पेंट लगा के आई हो? नियॉन नियॉन लड़की ने ना पार्लर का पता नहीं आधे ज्यादा सामान तो खुद ही यूज करती रहती मुझे है। मुझे नियॉन कलर बहुत पसंद है। अरे तेरे उसमें उसमें नहीं बैठते जो तूने बनाया इनके लिए? ऊपर सोते हैं। ऊपर सोते हैं, नीचे नहीं बैठते? बताओ जरा, ये भी तेरे गंदे ही है क्यों कोको चेरी? सुची दीदी का कहना नहीं मानते हो? ऊपर से खाते हो नीचे से निकालते हो? गाइस पहले तो क्या कहते हैं कोको ही कूद के उधर को चल जाता था पिंजरे से, अब चेरी भी कूदने लगी। चलो आओ जल्दी से नहाने जाओ खुशी, बस बहुत हो गया, चलो उठो उठो। तो आज बनी है दोपहर में अरहर के दाल चावल। वाओ दूर कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आज हम लोग कर रहे हैं अरहर के दाल चावल से अपना लंच। और ध्रुव के लिए नहीं आया अभी? मंगाओ, मंगवा लेते हैं। ध्रुव नहा के आ गया है, खुशी अभी नहाने के लिए गई है। अभी वो कोकोचेरी के साथ में ना मस्ती कर रही थी और उसके बाद वो गई है नहाने के लिए। सो यम्मी ध्रुव, खाना खाओ। अरहर के दाल चावल इतने टेस्टी लग रहे हैं ना। और हाथ से खाने का तो अपना ही एक मजा है। क्यों ध्रुव, ध्रुव भी हाथ से खाएगा? ध्रुव ने फुलके सिखवा रहे हैं अपने लिए। चावल खा के देख, दोपहर में चावल खाया करो। ना 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 ना। देखो मैं पूरी गर्मी ना दाल चावल खाती हूँ दोपहर में, शाम को सब्जी रोटी जो भी बनता है, और सुबह में अपना जो भी अपना यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट। आज तो हम लोगों ने पास्ता खाया था, है ना। सही चीजें मम्मी लेके आई हैं तो मैं उसका हॉल करूंगी। फर्स्ट थिंग चिंग चाइनीज, गेस व्हाट, नूडल, चौमिन हक्का नूडल मसाला, मसाला चौमिन हक्का नूडल मसाला। फोकस हो रहा है ना, फोकस करो फोकस करो। हाँ ये चौमिन हक्का नूडल मसाला, इनमें सारे पैकेट लेके आई हैं मम्मी। फिर उसके बाद है हमारे पास चिंग चाइनीज का ही शिजवान चटनी, शिजवान चटनी जो आप पिज्जा में, बर्गर में, समोसा में, आलू में, चिकन में, सब में डाल सकते हो, बिकॉज उसके पीछे लिखा हुआ है ये शिजवान की चटनी। मतलब डिप स्प्रेड एंड कुक। यस डिप स्प्रेड एंड कुक। जैसे अगर आप टिक्की वगैरह बनाओ तो उसमें आप लोग उसको डिप करके खा सकते हो, जो ज्यादा स्पाइसी खाते हैं। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। उसके बाद मेयोनीज वो तो रखी है, तो ये वेज मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए। फिर उसके बाद फिर से शिजवान चिंग्स सीक्रेट वेज हक्का नूडल्स, ये वेज हक्का नूडल का मसाला, ये हक्का नूडल के वो चटनी पूरी, और ये हक्का नूडल, ये हक्का नूडल, ये है मैक्रोनी जिससे आप लोग मैक एंड चीज भी बना सकते हो। मैक एंड चीज बहुत टेस्टी होती है, एक बार बना के देखना। मैक्रोनी डालना, उसके ऊपर से चीज डालना, उसको मिक्स कर लेना, उसके ऊपर से अपनी वेजिटेबल डाल लेना, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने बनाई है मैक्रोनी मैक एंड चीज की। फिर ये पास्ता ये रखा हुआ है, मैं मम्मी एक और पैकेट लिया है जस्ट फॉर पनीर पास्ता, पनीर पास्ता। फिर उसके बाद है हमारे पास देसी बर्गर पैकेट, ये हर दूसरे दिन आती है हमारे घर में, बिकॉज बर्गर जब आती है तभी बर्गर बन जाते हैं। तो ये वेज बर्गर पैटी। फिर
उसके बाद है चीज स्लाइस। अब के मम्मी बहुत बड़ा पैकेट लेके आए हैं चीज स्लाइस का, कॉल से पिछला वाला छोटा था उसमें सिर्फ 10 आते थे, इसमें कितने? इसमें 40 थी, इसमें 50 मुझे तो ज्यादा पता, चुप। 50 इसमें लिखा हुआ था गाइस, कहीं 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 पे था लिखा हुआ, लिखा हुआ पे। का है? लिखा हुआ होगा। फिलहाल इसमें 50 पैकेट्स आते हैं, ये भी बर्गर के लिए क्योंकि जल्दी खत्म हो जाती है। और अमूल इज ऑलवेज बेस्ट, ब्रिटानिया से तो ज्यादा अच्छा, ब्रिटानिया वाले खट्टा था। फिर उसके बाद है हमारे पास हर्शीज, ये चॉकलेट नहीं है ये स्ट्रॉबेरी है क्योंकि पिछली बार चॉकलेट आई थी, इस बार स्ट्रॉबेरी आई है, अगली बार कैरम आई थी। फिर उसके बाद है बन, बर्गर बन, बंद बन। फिर उसके बाद है हमारे पास ये, मुझे कभी भी बोलना नहीं आया, लिज्जत लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़, लिज्जत लिज्जत पापड़। ये मम्मी और पापा को बहुत पसंद है, मम्मी पापा ले जाए ब्रेड, ब्रेड टेम्पटेशंस के ब्रेड, टेम्पटेशंस काफी अच्छे ब्रेड बनाता है, और अलका बेकरी भी काफी अच्छे ब्रेड बनाती है। तो ये था हमारा ब्लॉग, ज्यादा देर ना करते हुए 4 मिनट हो गए। हाँ, पेस्ट्री भी आई थी, पेस्ट्रीज भी आई थी, वो हम लोग खा गए, और एक मम्मी खा गई, तेल बचा के रखी है उन्होंने, वो ही खा ले। और बस यही चीजें लेके आई थी मम्मी। मैं स्क्रंची कैसा लग रहा है बताना जरा, मैं मम्मी ऐसी स्क्रंची लेके आई थी पार्लर के लिए।